नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के मिले एक बार फिर से 100 से ज्यादा मामले। बिहार विधानसभा में विपक्षी एमएलए की पिटाई पर भड़का लालू परिवार। विधानसभा से सभी विपक्षी विधायक सदन में दिखे गैर हाजिर। आज आंखों पर काली पट्टी बांधकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। बिहार के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। अब चले बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सदन में हुए वाक्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया अपना बयान। बिहार विधानसभा में मंगलवार का दिन हंगामेदार रहा, जिसके तहत जो हुआ वो बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं देखने को मिला था। हालांकि विरोध के बावजूद विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पेश किया गया और उसे बिहार विधानसभा में पारित भी करा लिया गया। वहीं बिल के पास होने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज तक विधानसभा में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। सदन में सिर्फ विरोध हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है। बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास 2013 में किस तरह की घटना हुई, हमने अगले ही दिन जाकर देखा और बाउंड्री बनवाई। इसके बाद एक काम किया कि बीएमपी को बोधगया मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगाया गया। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड MARKFED ने निकाले रिक्तियां। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने सेल्समैन सहायक फील्ड अधिकारी के कुल मिलाकर 227 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बीकॉम सीए या मैट्रिकुलेशन या ICWA या एमकॉम या बीकॉम या आईटी या मैट्रिक डिप्लोमा या बीएससी आदि प्रासंगिक अनुशासन में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 12 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.markfedpunjab.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। बिहार में कोरोना के मिले एक बार फिर से 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 111 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 46 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 50 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही भागलपुर में 7 और बेगूसराय में 9 मामले सामने है। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो यह 99.17% दर्ज की गई है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 2,61,583 पर पहुंच गई है, जिसके बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 623 पर पहुंच गई है। दरभंगा, भागलपुर और बक्सर के आयुर्वेदिक कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई। बीते दिन विधानसभा में भले ही काफी हंगामा देखने को मिला, मगर हंगामे के बाद कई सकारात्मक पहल की शुरुआत भी की गई, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में अपना बयान जारी किया है और बताया है कि पटना सिटी स्थित नवाब मंजिल में 50 बेड का आयुष अस्पताल खोला जाएगा। इसके भवन निर्माण का काम जारी है। इसके साथ ही नौबतपुर में भी 30 बेड के नए अस्पताल के निर्माण की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत ही राज्य में जल्द ही 3,270 आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। मगध इलाके में बढ़ रहा है काले गेहूं का रकबा। अक्सर आपने काला चावल की खेती के बारे में सुना होगा, लेकिन अब काले गेहूं की खेती भी पटना जिले में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। पहले काले गेहूं का नाम पटना में गिने चुने किसान ही जानते थे, लेकिन इसकी गुणवत्ता और मुनाफे को जानकर राजधानी पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर नौबतपुर में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है। काले गेहूं का उत्पादन सामान्य गेहूं की तरह ही होता है। इस गेहूं का न सिर्फ उत्पादन अधिक होता है, बल्कि 15 से 16 हजार प्रति क्विंटल की दर से बिक्री होती है। काला गेहूं सेहत के लिहाज से सामान्य गेहूं से ज्यादा अच्छा होता है। इतना ही नहीं, यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्षी एमएलए की पिटाई पर भड़का लालू परिवार। मंगलवार का दिन विधानसभा का हंगामे के नाम रहा। सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में विपक्षी दलों के रवैये ने शर्मसार कर दिया। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव और पूरे परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके तहत उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत ही उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए बेहद ही आपत्तिजनक शब्द कुकर्मी कहा। अगले महीने से पटना से दरभंगा के लिए शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस की सेवा। बिहार अब हाईटेक होने का काम कर रहा है, इसकी शुरुआत पटना से हुई है। इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन अप्रैल महीने से पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए होने वाला है। इस बाबत परिवहन विभाग ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत यह साफ किया गया है कि मई से भागलपुर, दरभंगा, बोधगया, मधुबनी, बेतिया एक एक इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन सुचारू रूप से हो, इसको लेकर भी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सर्वे का काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मई में पटना को एक और इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलेगा और इसके साथ ही देश के कई राज्यों से पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को दरभंगा आने जाने के लिए अब पटना से इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। दरभंगा एयरपोर्ट जाने वाली बसें मुजफ्फरपुर होकर जाएंगी। विधानसभा से सभी विपक्षी विधायक सदन में दिखे गैर हाजिर।
विधानसभा से सभी विपक्षी विधायक सदन से दिखे गैर हाजिर। बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए हंगामे का असर आज भी देखने को मिला, जिसके तहत विधायकों की हुई पिटाई के बाद आज सदन की कार्रवाई तो हुई लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई भी नजर नहीं आया। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर भी विपक्षी विधायक सदन से गैर हाजिर दिखे, जिसके तहत विपक्षी विधायकों की सीट भी खाली दिखी। जानकारों की माने तो विपक्षी विधायक पुलिस या जुर्म के विरुद्ध में सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। इधर विपक्षी सदस्यों के गैर हाजिर रहने के बाद ही प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के विधायक संजय सारंगी ने श्रम संसाधन विभाग के तहत ITI से जुड़े सवाल को लेकर भी घेरा। श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि जिन संस्थानों ने फर्जी तरीके से निबंधन कराए वैसे संस्थानों पर कार्रवाई होगी। विधानसभा हंगामे को जीतन राम मांझी ने बताया सोची समझी साजिश। मंगलवार के दिन का असर आज बुधवार को भी देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बीते दिन के वाक्य को लेकर लगातार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना बयान जारी किया है और विपक्ष की तरफ हुए वाक्य को सोची समझी साजिश करार कर दिया है। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में कहा कि कुछ आतंक परस्त लोग नहीं चाहते कि बिहार सुरक्षित रहे, इसलिए सशस्त्र पुलिस विधेयक के विरोध की आड़ में सदन के अंदर स्पीकर को बंधक बना लिया गया। प्रदर्शन के नाम पर जनता को परेशान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ साफ कहा है कि कल की घटना एक सोची समझी साजिश का परिणाम था। बिहार के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। बिहार में मौसम में एक बार फिर से बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत आज आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय मौसम पूर्वानुमान में बताया गया था कि उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम बादल आ सकते हैं, हालांकि आमतौर पर मौसम शुष्क बने रहने का ही अनुमान है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर A.S. सत्तार के अनुसार अगले 28 मार्च तक 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी और इसके साथ ही उसके बाद पूर्वा हवा चलने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.5 एवं न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली पंजाब के बाद अब बिहार के सड़कों पर राजनीतिक दल का विरोध देखने को मिलने वाला है। इस विरोध का आह्वान कांग्रेस ने कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में करवाया था, जिसके तहत उन्होंने ये साफ किया है कि कृषि कानून के खिलाफ बिहार की सड़कों पर प्रदेश कांग्रेस आंदोलन करने वाली है। इसको लेकर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जब तक तीनों कानून विरोधी काले कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक कांग्रेस पार्टी आम किसानों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने बताया कि आगामी 25 मार्च को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस जन कृषि कानून की वापसी के धरना कार्यक्रम करेंगे। आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा के बाहर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। मंगलवार को हुए वाक्य के बाद आज सभी कांग्रेसी विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्षी विधायक ने सरकार के काम को लेकर विधानसभा में जिस तरह के विधायकों की पिटाई की गई उसको लेकर सभी माननीयों में गहरी नाराजगी भी देखने को मिली थी। वो आंखों पर काली पट्टी बांधे हाथों में तख्ती लिए कांग्रेसी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए थे। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो साबित करता है कि बिहार सरकार किस तरह हिटलरशाही शासन चला रही है। विधायकों को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उन्हें घसीट कर बाहर निकाला गया, जो कि पूरी तरह से शर्मनाक घटना है। बिहार विधानसभा में हंगामे को राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर बताया धब्बा। बिहार विधानसभा में मंगलवार को जो हुआ वो आज तक के इतिहास में देखने को नहीं मिला था। मंगलवार का दिन सड़क से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिला। इतना ही नहीं, बिहार में बीते दिन इस कदर उत्पात हुआ कि इसकी गूंज दिल्ली तक जा पहुंची। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। विधायकों को विधानसभा से उठा उठा कर न सिर्फ फेंका गया बल्कि मारपीट भी की गई। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह RSS भाजपा में हो चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आगे कहा कि बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से RSS BJP में हो गए हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर से जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते हैं। वनडे मैच के दौरान आपस में भिड़ते दिखे कृणाल पांड्या और टॉम करन। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 66 रनों से हरा दिया है, जहां कृणाल ने 31 गेंद में नाबाद 58 रन बनाए हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू पर किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है। वहीं इस पारी के दौरान एक ऐसा पल भी आया जब कृणाल और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टॉम करन किसी बात पर उलझ गए। बाद में अंपायर को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। यह वाक्य भारतीय पारी के 49वें ओवर का है। यहां टॉम अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे थे। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद इंग्लैंड के विकेटकीपर जॉस बटलर भी जल्दी ही टॉम के पास पहुंच गए और वो भी कृणाल को कुछ कहते नजर आए। अंकिता लोखंडे ने बताया कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की खबरें लगातार सामने आती रही है। इसी क्रम में अंकिता लोखंडे ने कास्टिंग काउच को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि वो इसका सामना दो बार कर चुकी है। एक बार वो जब नई थी और दूसरी बार जब टीवी में सफलता पाने के बाद फिल्मों में जाने की कोशिश में थी। उन्होंने ये भी बताया कि फायदा उठाने की कोशिश करने वाला बड़ा एक्टर था। मुझे वैसी वाइब्स आ गई कि मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं
जानती थी कि अब मेरा यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी गिव एंड टेक का मामला है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार विपक्षी दलों की तरफ से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर किया गया विरोध सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।